Welcome to the fourth module of how to sell any product or service easily for any business. अब इस कोर्स के अंदर अभी तक हम ये जान चुके हैं कि सेल्स का माइंडसेट क्या होता है, आपने समझ लिया कि आपने अपनी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कैसे करनी है, आपने ये समझ लिया कि आपने अपने बायर की प्रोफाइल कैसे बनानी है. अब हम फोर्थ स्टेप के ऊपर हैं जो कि है कंपेटिटिव एनालिसिस. कंपेटिटिव एनालिसिस अगर आपने बिजनेस पढ़ा है या कभी किसी बिजनेस के लिए काम किया है तो आपको पता होगा कि ये टर्म यूज होती है अपने आप को कंपेटिटर्स के अगेंस्ट कंपेयर करते हुए कि मार्केट में जो दूसरे लोग हैं जो सेम काम सेम प्रोडक्ट या सेम सर्विस दे रहे हैं आखिर मैं उनके मुकाबले में कहाँ स्टैंड करता हूँ. और ये इसलिए करना क्रिटिकल है कि आप अपना USP यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन और यूनिक सेलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकें, वो चीज़ ढूंढ सकें जो आपको बाकी के लोगों से जो मार्केट में सिमिलर काम कर रहे हैं स्टैंड आउट कर सकें. ओके, इसको करने का सिंपल तरीका ये है कि आपने थिंक ऑफ 3 कंपेटिटर्स, अपनी मार्केट के अंदर 3 कंपेटिटर सोचने हैं जो वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं जो आप दे रहे हैं. सही है, आपने कोई भी चीज़ सोच ली. फॉर एग्जांपल अगर आप शूज़ बेच रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी मार्केट के अंदर जिस एरिया में जिस जगह पे आप मार्केट कर रहे हैं, आया आप लाहौर में कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं, ग्लोबली कर रहे हैं, आपने अपने बेस्ट 3 कंपेटिटर्स निकालने हैं जो शूज़ बेचते हों. सही है, अगर आप मैन शूज़ बेच रहे हैं तो फिर आप मैन शूज़ के कंपेटिटर निकालेंगे, अगर आप किड्स या वेमेन या कोई स्पेसिफिक एक आपकी नीश है तो फिर आप उसी के कंपेटिटर्स ढूंढेंगे. सो आपने 3 कंपेटिटर्स निकाल लिए. अब आपने एक चार्ट बनाना है, इसी तरह इसको बनाना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ. सो इस तरफ वाले कॉलम में आपने सबसे पहले लिखना है कि FBA 1, FBA फीचर बेनिफिट एडवांटेज, ठीक है, FBA 1, FBA 2, FBA 3. ऊपर वाली रो में आपने लिख दिया FBA 1, FBA 2, FBA 3. फिर ये जो कॉलम्स है यहाँ पे आपने लिखना है यू, यानी कि मैं, यानी कि आप जो बिजनेस ओनर है जिसके लिए आप ये माइंड मैपिंग कर रहे हैं, सारा कंपेटिटिव एनालिसिस बना रहे हैं, वो आ गया यहाँ पे. सेकंड उसके नीचे आ गया कंपेटिटर 1, C1, यहाँ पे C2 और यहाँ पे C3. इस तरह आपके रोज और कॉलम्स बन गए, वहाँ पे फीचर्स बेनिफिट एडवांटेजेस और यहाँ पे यू एंड योर कंपेटिटर्स. ठीक है, अब आपने वही फीचर्स 3 जो आपने इनिशियली लिए थे अब आपने वो बारी बारी इस टेबल में पुट करते जाने हैं. आपका जो भी नंबर 1 फीचर था उसको आप FBA 1 में लिखें और देखें कि आपके पास तो ये है, आपके पास तो 3 होंगे क्योंकि ये आपके वही फीचर्स हैं जो आप पहले बना चुके हैं. फिर आपके पास तो ये है, आपका टिक हो गया. क्या कंपेटिटर 1 के पास है? नहीं है, क्रॉस हो गया या ब्लैंक छोड़ दें. 2 के पास है? है, टिक कर दें. 3 के पास है? नहीं है, ब्लैंक छोड़ दें या क्रॉस कर दें. इसी तरह फीचर नंबर 2 को आपने देखना है कि आपके पास है लेकिन आया कंपेटिटर 1 के पास है. अच्छा, कंपेटिटर 1 के पास है, 2 और 3 के पास नहीं है. फीचर नंबर 3 पे चले गए और देखा कि मेरे पास तो है. क्या कंपेटिटर 1, 2 और 3 के पास है? जी ये तो किसी के भी पास नहीं है. इसका मतलब है ये आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, ये आपका वो फीचर है जो आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगा, ये आपका वो फीचर है जहां पे आप विन कर सकते हैं. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये ओवरलैप कर रहे होते हैं, कोई फीचर आपके पास है और किसी और कंपेटिटर के पास नहीं है, और कोई फीचर आपके पास है और 2 कंपेटिटर्स के पास भी है. तो आपने इसको समझते हुए, फॉर एग्जांपल वही बाटा और सर्विस वाली एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा कि बाटा के पास ये 2 चीज़ें तो हैं कि वो 1 साल की गारंटी भी दे रहे हैं और उनका प्रोडक्ट जो है वो भी अच्छा है, लेकिन उनके पास ये 3rd फीचर नहीं है कि इम्पोर्टेड मटीरियल यूज़ हो रहा है या फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस है. इसी तरह सर्विस के पास आपने देखा कि उनके पास मटीरियल तो अच्छा है लेकिन वो गारंटी नहीं दे रहे 1 ईयर की या रिफंड नहीं ऑफर कर रहे. तो आपने अपने आप को प्लेस करना है इस मैप के थ्रू. ये आपको हेल्प करेगा जब भी आप किसी कस्टमर से बात कर रहे होते हैं, उस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ के एक चार्ट बनाए और कंपेटिटिव एनालिसिस बनाए और सारा कंपेयर करें. आपने ये अगर पहले बनाया होगा और इसको अच्छी तरह एक्सरसाइज और प्रैक्टिस किया होगा तो ये आपके फिंगर टिप्स पे होगा. आप इजीली जब कोई क्लाइंट आपसे क्वेश्चन करेगा कि मैं तुमसे क्यों बाय करूं, मैं सर्विस से क्यों ना बाय करूं, तो आपको सर्विस की वीकनेस पता होगी, वही वीकनेस जो आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपके पास वो फीचर है और सर्विस के पास नहीं है. ये उसकी वीकनेस बन गई, आपकी स्ट्रेंथ बन गई.
आपने एक अटैकिंग मोड में इजीली कह सकते हैं कि यस आई अंडरस्टैंड कि वो इस बिजनेस में है और इस मार्केट में है और आपको वो ऑफर कर रहे हैं ये प्रोडक्ट, लेकिन उनके पास तो ये रिफंड की ऑफर ही नहीं है और मैं आपको रिफंड की ऑफर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमें अपनी प्रोडक्ट के ऊपर एतमाद है, उनको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर एतमाद नहीं है इसलिए वो आपको रिफंड नहीं दे रहे। सो जो भी आपके पास बिजनेस है और आपके कंपेटिटर्स हैं, आपने अपने फीचर्स अगेंस्ट योर कंपेटिटर्स, अपनी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस को अच्छी तरह समझ लेना है और अपनी पिच में उसी को हाईलाइट करना है कि बाकी के कंपेटिटर से मैं कैसे बेहतर हूँ, उनकी ये वीकनेस है जबकि ये मेरी स्ट्रेंथ है। सो जब आप उनको इस तरह एड्रेस करेंगे तो फिर वो ईजिली डिसीजन ले सकते होंगे। अगर मेरे सामने तीन ब्रांड्स हैं और तीनों की क्वालिटी में, प्रोडक्ट में, प्राइस में, किसी भी चीज़ में कोई डिफरेंस ही नहीं है और ना मुझे कोई समझा रहा है डिफरेंस, तो फिर मैं कैसे चूज़ करूँगी कि मैंने किससे बाय करना है। लेकिन अगर एक ब्रांड मुझे कहता है कि हमारे पास ये प्लस है जो कि बाकी दोनों के पास नहीं है और मैं देखती हूँ कि वाकई इनके पास ये प्लस है और उन दोनों के पास नहीं है, तो फिर मैं उसी ब्रांड से बाय करूँगी जिसके पास प्लस है। रिमेंबर, बायर हमेशा कंपैरिजन में देखता है, जो चीज़ उसको बेहतर एडवांटेज और बेटर ऑफर कर रही होती है वो उसी की तरफ जाता है। सो आपने इसको अच्छी तरह समझना है क्योंकि ये आपका कंप्लीट बैकबोन है जिसके ऊपर आपका सेल्स का प्रोसेस डिपेंड करेगा और आप लोगों को विन कर सकते होंगे। अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट, अपनी खासियत, जो चीज़ आपको दूसरों से मुनफरिद कर रही है वो आपको पता होनी ज़रूरी है। जब आपने ये अपना करना है, अभी इसी मॉड्यूल के होमवर्क में आपने एग्जैक्टली यही चार्ट बनाना है और अपने बिजनेस और अपने कंपेटिटर्स को सामने लिस्ट करके फीचर्स के अगेंस्ट कंपेयर करना है कि मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनके पास नहीं है और जिसके अगेंस्ट मैं उनके ऊपर विन कर सकता हूँ।